चैनल आई एम रितु एंड यू आर वाचिंग रितु हांडा। तो कैसे हो आप सब? आई एम श्योर आप सब बहुत ज्यादा बढ़िया होगे। तो गाइस, मेरे थंबनेल से आपको पता लग गया होगा कि आज हम किस चीज पर डिस्कशंस करने वाले हैं। तो गाइस, वो है हमारा ब्लू हेवन का न्यू लॉन्च न्यू प्रोडक्ट। तो कौन सा है वो न्यू प्रोडक्ट? वो है हमारा सिलक सेटन ब्लू हेवन लिप टिंट विद जोजोबा ऑयल एंड विटामिन ई ऑयल। तो गाइस, ये ब्लू हेवन की न्यू लॉन्चेस है और अभी अभी मैंने इसको बाय किया था और मैं इसका रिव्यू आप लोगों से आज शेयर करने वाली हूँ। बिल्कुल एकदम रिव्यू जो मेरा ऑनेस्ट होगा। तो ये आपको पता ही है, अगर आप मुझे आप फॉलो कर रहे हैं तो आपको पता है मेरे रिव्यू एकदम ऑनेस्ट होते हैं। कोई भी झोल झाल मैं उसमें बिल्कुल भी नहीं लेके आती। जैसे प्रोडक्ट मुझे दिखते हैं वैसे ही मैं आपको बताती हूँ। तो गाइस, ये प्रोडक्ट मैंने बाय किया है पर्पल से। पर्पल की वेबसाइट पे ब्लू हेवन के सभी प्रोडक्ट्स हैं, अगर आप बाय करना चाहो तो वहां जाके कर सकते हो। ब्लू हेवन ने पैकेजिंग पर इस बार बहुत ज्यादा जोर दिया है। इतनी बड़ी पैकेजिंग दी है, छोटी सी ट्यूब है लेकिन पैकेजिंग बहुत ज्यादा बढ़िया है। बड़ी है और बढ़िया भी है। कैसे बढ़िया मैं आपको बताती हूँ। एक तो इसका बॉक्स है हमारे पास, ये पूरे का पूरा बॉक्स हुआ और उसके बाद ये हो गया बॉक्स अलग और नीचे से निकला फिर से एक बॉक्स। सिल्क एंड सेटन इस पर भी लिखा हुआ है और इस पर भी फुली डिटेल्स दी हुई है। पैकेजिंग काफी अच्छी लगी मुझे और प्रोडक्ट बीच में बहुत छोटा सा है। पहले हम प्रोडक्ट की एमआरपी की बात कर देते हैं जो कि सब सुनना चाहते हैं। तो हमारे प्रोडक्ट की एमआरपी क्या है? हमारे प्रोडक्ट की एमआरपी है 250 रुपीज। लेकिन आपको पता है पर्पल पे हमेशा सेल चलती रहती है, तो सेल में ये मुझे मिला है 200 रुपीज का। आप भी जब भी सेल आए तो आप इसको डिस्काउंट में बाय कर सकते हो। 250 रुपीज इसकी एमआरपी दी गई है लेकिन ये 210 का 200 का आपको आराम से वहां से मिल जाएगा। तो गाइस, इसके प्रोडक्ट की क्वांटिटी क्या है? तो 8 ml का ये प्रोडक्ट है और जो मैंने अपनी शेड बाय की है इसमें आती हैं शायद 5 shades आती हैं इसमें। तो जो मैंने शेड बाय की है वो है मेरी ब्रिक ब्यूटी। ब्रिक ब्यूटी है शेड जो मैंने बाय की है। तो गाइस, बाहर की पैकेजिंग की हो गई बात की, इस टाइप का कार्डबोर्ड का बॉर्ड है और उसके अंदर फिर एक बॉर्ड है। और अब हम इस प्रोडक्ट को खोलते हैं और खोलने के बाद इसमें से निकला ये छोटा सा छोटू सा प्रोडक्ट। मुझे लगा शायद बॉटल होएगी, इसमें से निकला ये छोटू सा प्रोडक्ट। तो गाइस, अगर इसकी पैकेजिंग छोटी भी कर देते तो कोई बात नहीं थी क्योंकि ये मैं वेस्ट ही करने वाली हूँ, डस्टबिन में डालने वाली हूँ। तो गाइस, ये है प्रोडक्ट। तो ये इस टाइप की ट्यूब है, छोटी सी ट्यूब है, कलर बहुत अच्छा है। तो गाइस, इसमें से स्मेल बहुत अच्छी आ रही है। ट्यूब के बाहर से भी आप देखोगे ना तो बहुत, अभी मैंने प्रोडक्ट को खोला नहीं है लेकिन स्मेल इतनी अच्छी आ रही है ना। तो कलर आप देखो, पैकेजिंग का कलर बहुत बढ़िया है। और तो इस टाइप का ब्रश है, तो जैसे आपकी लिक्विड लिपस्टिक होती है ना वैसा ये प्रोडक्ट है, तरह का प्रोडक्ट है। प्रोडक्ट की क्वांटिटी जो है ना बहुत ही ज्यादा कम है जो मुझे दिख रहा है। तो यहाँ पर है मेरा प्रोडक्ट, यहाँ तक है। अगर आपको कैमरे में नहीं दिखेगा लेकिन यहाँ तक ये प्रोडक्ट है, फुली ये फिल नहीं है। अभी मैंने इसको यूज नहीं किया, अभी मैंने सिर्फ इसको ट्राई करके देखा था कि ये कैसा है ताकि मैं इसका रिव्यू आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। अब मैं अपना लिप कलर उतार कर इसको अपने लिप्स पर ट्राई करके दिखाती हूँ। तो गाइस, मैंने अपने हैंड स्वेच आपको दिया था कि इस टाइप की शेड है, शेड बहुत ही ज्यादा प्यारी है। और हाँ गाइस, इसमें एक बार मुझे इसके 5 shades है ना, 5 shades के कलर जो है जब हम ट्राई करते हैं ना तो वो सब कलर एक जैसे ही लगते हैं। तो जैसे मैंने इसको ट्राई किया, जैसे इसका कलर है वो कलर मतलब दिखने में अलग लगेंगे, जब आप इसको तो लिप्स पे लगाओगे तो सब शेड्स एक तरह के लगते हैं। इसलिए कोई भी अच्छा शेड चूज करो और ले लो, सभी के सभी शेड ट्राई करने की कोई जरूरत नहीं है। तो ये देखो, ये अभी ड्राई हो जाएगा थोड़ी देर में, तो ड्राई होने के बाद भी आपके लिप्स को ये सॉफ्ट बनाए रखता है। तो अब मैं आपको अपना लिप स्वैच भी दे देती हूँ इसके साथ। ये आपके लिप्स को बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं करती, बिल्कुल भी खराब नहीं करती, बिल्कुल भी ड्राई नहीं करती। सिर्फ ऐसा लगता है ये टिंट का काम भी करती है और एक सॉफ्टनर सी भी आपके लिप्स पर बनी रहती है क्योंकि इसमें है जोजोबा ऑयल एंड विटामिन ई जो आपके लिप्स को बहुत ज्यादा सॉफ्ट बनाए रखते हैं। तो गाइस, इसका जो एप्लीकेटर है ना वो बहुत ही ज़्यादा बढ़िया है और ये प्रोडक्ट लगाने में बहुत ही ज़्यादा स्मूथ है और बहुत ही ज़्यादा ये आपके लिप्स को मॉइस्चराइज भी कर देता है। और दूसरी बात, एकदम क्रिएटिव फ्री प्रोडक्ट है और गाइस, ये आपके लिप्स पर मीडियम सी कवरेज देता है। जैसे कि टिंट काम करते हैं वैसे ये टिंट है, इसलिए टिंट की तरह ही काम करता है और बहुत मीडियम सी कवरेज देता है। तो ये प्रोडक्ट मुझे काफ़ी अच्छा लगा और हाँ, लॉन्ग लास्टिंग भी है और 2-3 hours आराम से आपके लिप्स पर स्टे करता है।
लेकिन क्वांटिटी के हिसाब से मुझे ये थोड़ा सा महंगा लगा कि 8 ग्राम की क्वांटिटी ब्लू हेवन 250 रुपीज़ में दे रहा है, बस थोड़ा सा ये मुझे कॉस्टली लगा, लेकिन काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है। तो गाइस मेरी ओर से बिग थम्स अप है, आप इसको यूज़ कर सकते हो। कॉलेज गोइंग गर्ल्स के लिए या जो न्यूड मेकअप पसंद करते हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा बढ़िया रहेगी। तो ये इस तरह से मैंने जब लगाने के बाद थोड़ी टाइम के बाद अप्रॉक्सीमेटली 2 मिनट्स के बाद ये ड्राई हो जाती है, बिल्कुल ड्राई नहीं होती, बहुत अच्छा सा टेक्सचर आ जाता है, बिल्कुल भी आपके जो लिप्स है शेपी नहीं होते, बहुत ज़्यादा सॉफ्ट रहती है, तो ऐसा नहीं लगता कि आपने कुछ लगाया हुआ है, और बिल्कुल लाइट वेट है, कुछ ऐसा नहीं लगता कि बहुत हैवी आपके लिप्स पर है। बहुत ही अच्छी टिंट है, बहुत अच्छा सा कलर, आपके बहुत लाइट सा न्यूड सा शेड आपके लिप्स पे आ जाता है, और स्मेल बहुत ज़्यादा बढ़िया है, लाइट बबल गम लाइट स्वीट सी स्मेल है जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आ रही है। तो गाइस ये था हमारा ऑनेस्ट रिव्यू इस प्रोडक्ट के साथ, छोटू से प्रोडक्ट के साथ। तो गाइस काफ़ी अच्छा लगा ये मुझे प्रोडक्ट, अगर कॉलेज लाइन गर्ल्स हो, मतलब अगर आप लिपस्टिक्स नहीं लगाती, डार्क लिपस्टिक नहीं पसंद करती, तो आप इसको ज़रूर यूज़ करो, टिंटेड से लुक आपके लिप्स पर देता है, आप इसको चाहे तो अपने चिक्स पर भी इसको यूज़ कर सकते हो। गाइस बस ये था मेरा ऑनेस्ट रिव्यू, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। तो बाय गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।